ओए थोड़ा रिस्पेक्ट तो कर। रिस्पेक्ट और कितनी चाहिए बे? थोबड़ा देखा है अपना, फोड़ दूंगा कमीने। ओए क्या बैड वर्ड्स बोल रहा है मुझे? इंग्लिश में गाली तुझे बुरी नहीं लगती, हिंदी में कमीना कहा तो बुरा लग रहा है। अबे ये दूंगा ना तुझे, समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या कह रहे हैं तो? ए मोटे सेठ, इतने साल यहाँ रहते हो गए, तुझे आदमी पहचानना नहीं आता? आदमी पहचानना नहीं आता हाँ? मोटा वेट क्या कर रहे हो, शटर बंद करके शुरू करो। का कितना बड़ा गुंडा हूँ इन्हें नहीं पता है? अब यहाँ कुछ खून खराब ना हो जाए इसीलिए चुप बैठा हूँ। हाँ। जैसे ये उसे धो डालेगा, उस सेठ और उनके लड़कों का उन्होंने जो हाल किया था अगर इसने देख लिया होता तो अब तक ये सब बोलने की स्थिति में नहीं होता। मतलब आज दिन भर घुटनों के बल खड़े रहना होगा? चिंता मत करो, इस मल्होत्रा का एक चेहरा ही तुम लोगों ने देखा है, आज उसका दूसरा चेहरा भी तुम लोग देखोगे। सावन तो मेरी बात ध्यान से सुनो, चार चोर घुस आए हैं मेरे घर में, अब जितनी जल्दी हो सके तुम अपने लड़के और सामान लेकर यहाँ जाओ। हेलो हेलो बेटी, डैडी नहीं है क्या? डैडी नहा रहे हैं अंकल। ठीक है बेटी, जब डैडी नहा कर आए ना तो बताना अंकल, अंकल मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओगे क्या? हाँ जरूर लेकर आऊंगा बेटी, आइसक्रीम तुम डैडी को 5 स्टार भी, 5 स्टार आइसक्रीम सब लेकर आऊंगा बेटा। आप डैडी डेयरी मिल्क भी, डेयरी मिल्क भी लेकर आऊंगा, आप बस डैडी को जरा 3 डेयरी मिल्क जरूर लाऊंगा बेटा, डैडी को जरा आप लड्डू जेली बर्फी जलेबी पकोड़े भजिया मालपुआ दही वड़ा बेटी जरा मेरी बात, पिज्जा चिकन नूडल्स बिरयानी बेटी सुनो, मंच डैडी को फोन, बेटी बेटी जरा डैडी को फोन, पुलिस को फोन लगाते हैं। क्यों तुम्हें फ्लाइट नहीं पकड़नी है क्या? अगर इन्हें पैसे नहीं मिले तो ये लोग थोड़ी देर में चले जाएंगे, पर पुलिस यहाँ गई तो फिर हम बाहर नहीं जा पाएंगे। मैं वाइट के साथ नीचे पैसे ढूंढता हूँ, तुम दोनों इन पर नजर रखो, अगर कोई बात करे तो उसका चेहरा बिगाड़ देना। सब शांत रहना, समझे ना? शांति। पता नहीं आज सुबह मैंने किसका चेहरा देखा, वो रिश्तेदार होकर हमारे साथ ऐसा कर रहा है। भाई साहब मैं तो लेबर हूँ भाई साहब, सर्वेंट, पिछले महीने की तनख्वाह भी नहीं दी इन्होंने भाई साहब। ये बात बाहर पता चलेगी तो टीवी मीडिया प्रेस सब आकर हमारे घर के बाहर खड़े होने वाले हैं। सच में हम लोग टीवी पर आने वाले हैं। शांति। हड्डी के ढांचे, तू अपनी औकात में रह। सब सर के बल खड़े हो जाओ। क्या सुना? नहीं, सब सर के बल खड़े हो जाओ। क्यों खड़े हो जाए? तुम्हें नजर नहीं आता हम स्कूल के बच्चे हैं जो सिर के बल खड़े हो जाए?
ये क्या है बॉस, इतना ढूंढा पर पैसा नहीं मिला। जो डायलॉग मुझे बोलना था तुमने बोल दिया। तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो बैठ सकती हो। सिर्फ वो क्यों बैठ सकती है? क्योंकि वो सुंदरी है। और मैं सुंदरी नहीं हूँ क्या? मैंने सुंदरी कहा, बंदरी नहीं। सारी औरतें मुझसे कहती हैं कि मैं रानी जैसी दिखती हूँ, महारानी जैसी दिखती हूँ, और तुझे मैं बंदरी दिख रही हूँ क्या? एक आदमी जितना उधार लेता है उतना ही पैसे वाला होता है। हजारों कमाने वाला हजारों में उधार लेता है, लाखों कमाने वाला लाखों में लेता है। करोड़ों में कोई अगर उधार ले रहा है तो इसका मतलब? पता नहीं बॉस। संता, एक कमरे में एक लड़की बिना कपड़ों में आ जाए तो तुम ये कहकर भागोगे कि तुमसे नहीं होगा? ट्राई करूंगा ना बॉस। तो यहां भी ट्राई करो ना संता, तुरंत क्यों कह रहे हो नहीं पता? करोड़ रुपए उधार मांगता है मतलब करोड़ रुपए नहीं है। उन करोड़ों से वो मुनाफा कमाएगा इसलिए करोड़ों उधार ले रहा है, यह भी हो सकता है। 10 रुपए के लिए 1 रुपए छुट्टा है, 100 रुपए के लिए 10 रुपए छुट्टा है, 1000 के लिए 100 छुट्टा है और लाखों के लिए 1000 छुट्टा है। करोड़ों का उधार लेने वालों के लिए लाख भी छुट्टा ही है। इस घर में वो छुट्टा जरूर होगा, वो हमें ढूंढना है। The number you have called is currently busy. Please call again later. आज के दिन भी ये इंसान न जाने किस किस से बातें करने में लगा है। संता, इस घर में मोबाइल जैसा कुछ भी दिखे तो उसे चकनाचूर कर दो। संता, इसे क्यों तोड़ दिया? आप ही ने तो कहा था मोबाइल जैसा कुछ दिखे तो चकनाचूर कर दो। Excuse me, मुझे सीनियर सिटीजंस के राइट चाहिए, मुझे अब बैठना है। ओए बुड्ढे, बुजुर्ग जैसा व्यवहार किया था क्या तूने? घर आए मेहमान की इज्जत करनी चाहिए, तुझे नहीं पता तो किस बात की राइट चाहिए तुझे? वाइट, तुम बेकार में टेंशन क्यों ले रहे हो? क्या मांगा उन्होंने? अपने लिए एक मौका ही तो मांग रहे हैं वो। तो हम भी अपनी तरफ से एक मांग रखते हैं। तीनों गोलियों को सर्कल में फंसा दीजिए, फिर पूछने की जरूरत नहीं, खुद बैठ जाइएगा। अरे सलीम भाई, मैं यहाँ बहुत देर से चिल्लाता खड़ा हूँ और आप है कि मेरी शक्ल को ताकता भी नहीं है। ओए, साफ हिंदी बोला कर, मैंने कितनी बार कहा, बेअकल। भाई ने जब मेरी यहाँ पोस्टिंग की तो मैंने सबसे पहला काम किया, मैंने हिंदी सीखी। जानता है क्यों? क्योंकि यहाँ की पब्लिक में एक बात बहुत अच्छी है, हाँ, भाषा प्रेम, जो मुझे भी बहुत पसंद है। अब देखो ना, अपने देश में अपनी मातृभाषा छोड़कर लोग इंग्लिश बोलने लगे हैं, लेकिन यहाँ अच्छी बात यह है कि लोग अब भी अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। गूगल करके देखा मैंने, बहुत एंशियंट लैंग्वेज है। हिंदी बोलने पर हमें गर्व होना चाहिए। उससे पैसे लेकर सिक्स मार रहा है, गोली मार दो इसको। हाँ, क्या बोल रहा था? अबे गधे कहीं के, तुम यहाँ से पैसा कमा रहे हो, यहाँ का नमक खा रहे हो, तो यहाँ की भाषा नहीं बोल सकते? माफ कर दो भाई, ये भाषा पर बात करने का समय नहीं है, बिजनेस करने का समय है। मैंने आपको पैसे दिए, आप मेरा पैसा मुझे वापस दिलवाओ। उसने मुझे लोगों से पिटवाया, उसकी चिंता नहीं मुझे, दाऊद भाई के लोगों को भी पीट दिया, और इस बात को समझे बिना
आप यहाँ क्रिकेट देख रहे हैं? ब्रेन अच्छा मैं रखता हूँ। यहाँ मेरा नाम ब्रेन क्यों है पता है भाई? मन में जो सोचते हैं वो मेरे दिमाग में आ जाता है, इसलिए। वहां कोर्ट में जो आदमी खड़ा है पता है कौन है? मुंबई का बहुत बड़ा बिजनेस मैग्नेट है वो। मुंबई का बिजनेस मैग्नेट यहाँ आकर एक्सरसाइज क्यों कर रहा है? एक कॉन्ट्रैक्ट डील लेकर वो सलीम भाई के पास आया था, थोड़ा गुस्से में बात की उसने, तो उसकी सजा मिली है। ये सजा है? हाँ। वो तो यहाँ मजे से बॉल खेल रहा है। दो दिन से खेल रहा है, अगर बॉल नीचे गिरी ना तो उसके पास जो आदमी बैठा है वो उसे गोली मार देगा। और कब तक वो इस तरह से बॉल उछालता रहेगा? उछालते ही रहना है। उछालते रहना मतलब? उछालते रहना मतलब उछालते ही रहना है जब तक बॉल गिर ना जाए। फिर उसके बाद वो उसे गोली मार देगा। चाहे जो भी हो बॉल तो गिरी जाएगी, तो फिर ये इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? उम्मीद, उसे उम्मीद है कि भाई का मन शायद बदल जाएगा। तुम्हें भी बोल रहा हूँ उम्मीद मत छोड़ो, कल हम जिंदा रहेंगे इसी उम्मीद पर तो पैसा बचा रहे हैं ना हम। भाई से बेवकूफों की तरह बात मत करो, उम्मीद रखो। अब मैच देखो, भाई ने बड़ा अमाउंट देकर मैच फिक्स किया हुआ है। एक राज की बात बताता हूँ, तुम्हारे लिए यूजफुल होगा। मुझे क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वाह, एक और विकेट चला गया। मेरे दुश्मन का विकेट लिया, कोई बात नहीं। अरे ये क्या हो रहा है? जो काम हमें करना था वो किसी और ने कर डाला। जाओ उस गद्दार को मार दो। किसी और ने नहीं भाई, अपने ही आदमी ने मारा है। आपने ही तो थोड़ी देर पहले उसे मारने को कहा। मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। तुमने सच में मार डाला उसको? पागल कहीं का। But I like your work, man. अच्छा काम करते हो तुम। आ गया है। संता तुम आ जाओ। कुबेर इनके खाने के बाद तुम खा लेना, ठीक है? कुबेर इन पर नजर रखना, अगर कोई हिला। मैं यहीं खड़ा हूं, अगर कोई हिला। मैं यहीं खड़ा हूं, अगर कोई हिला। हेलो मिलन, कहाँ हो तुम? जो एड्रेस दिया था वही हूँ बॉस। अभी तक वहाँ क्या कर रहे हो? सामान मिला क्या? आपने जो सीढ़ी बताई वैसी इस घर में है ही नहीं बॉस। अच्छी तरह देखा क्या? सारा घर छान मारा, लेकिन वो यहाँ है ही नहीं बॉस। तो फिर जरूर उसे कहीं सेफली रख दिया होगा। वैसे मेरी बेटी का खिलौना मिला? नहीं वो भी नहीं मिला बॉस। मिलन
क्या कह रहे हो? गुड्डा उसी घर में है, अच्छी तरह देखो। इस घर में बहुत सारे खिलौने हैं बॉस, लेकिन उनमें से किसी में आपका लिखा खिलौना नहीं है। मिलन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे भी समझ नहीं आ रहा, इस घर में मैं क्या कर रहा हूँ, या इस घर में ये चारों चोर क्या कर रहे हैं? मुझे यहाँ क्यों पकड़ के रखा हुआ है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है बॉस। चोर? वो भी क्या, हमारी चीजें चोरी करने आए हैं? ये लोग इतने बेवकूफ नहीं है, पैसे चोरी करने आए हैं ये लोग। तुम किसी काम के नहीं हो। सर, सीडी के ना होने की वजह से मेरी पेमेंट कट नहीं करोगे आप? रख दिया क्या? रिपीट। ओके। हे, जरा वो फोन देना इधर। सॉरी सर, मिलन के फोन में बस इनकमिंग होती है, आउटगोइंग रखता ही नहीं हूँ, बंदे का उसूल है। सर, आई हैव गॉट अ फोन। हे, गुड, लो। गुड। हेलो। हाँ बेटी, अपने डैडी को जरा फोन देना। डैडी नहा रहे हैं अंकल। डैडी अब तक नहा रहे हैं? अच्छा बेटी, तो अपनी मम्मी को फोन देना। मम्मी भी डैडी के साथ नहा रही है अंकल। मम्मी डैडी के साथ नहा रही है? तुम क्या कर रही हो? मुझे ना बहुत सारी चिप्स, बिस्किट, ये सब मेरे सामने रखकर टीवी में टॉम एंड जेरी लगाकर वो नहाने चले गए अंकल। नहाने चले गए? तो जाकर दरवाजा खटखटाओ। आहा, सब खत्म हो जाने के बाद ही दरवाजा खटखटाने के लिए बोलकर गए हैं डैडी। बोलकर गए हैं तो कोई बात नहीं, तुम जाकर एक बार दरवाजा खटखटा लो। मैं सब खत्म होने से पहले दरवाजा खटखटाया तो वो मुझे बैड गर्ल कहेंगे। मैं गुड गर्ल हूँ ना। हाँ, तुम बहुत गुड गर्ल हो बेटा। दरवाजा खटखटा कर डैडी को बोलो कि मेरा मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओगे ना अंकल। गधी है तू, गधी। वहाँ पहले से इतना सारा रखा हुआ है, वो तो खा। बैड अंकल, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। एनी प्रॉब्लम? कर रहे हो भाई, तुम्हारा नाम सुनकर कुत्ता भी एक जगह बैठ जाता है, तो मैं क्या चीज हूँ? सच कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता भाई, पता होता तो पैसे भी नहीं मांगे होते डमरू। मामला ऊपर तक पहुँच गया है, बाकी बात मंडी चलकर करेंगे। चलो अब इस केस को खारिज करने का या कल करने का कोई चांस हो तो देखिए भाई, बहुत काम है, ऐसे भेजना मुश्किल होगा। है, ये हुई ना बात, शेर के सामने आ गया तो चूहे की तरह गिड़ 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 कर रहा है। तुझे भी सुला दूंगा मैं इसे यहाँ से भगा कर ले जाने के लिए आया हूँ, जो तो इसके साथ खड़ा है। दो थप्पड़ लगाएंगे और पंचायत करेंगे, समझा? ए नालायक कहीं के, बेवकूफों की तरह क्यों खड़ा है, फोन उठा के दे। इधर दे। अरे गधे, वो फोन मुझे दे, उनके आने से पहले फोन करना है मुझे। ये फोन मुझे देने के लिए कह रहा हूँ। पापा, पास आए ना तो इस बैट से सिर फोड़ दूंगा। ए, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? यूजलेस फेलो, मोबाइल इधर दे। सुबी, तुम मेरी तरफ हो या फिर इनकी तरफ हो? तुम्हें अपना भाई कहते हुए मैं प्राउड फील कर रही हूँ, मैं हमेशा हीरो की तरफ होती हूँ। छी, इडियट कहेगा, उन चोरों ने हमें पकड़ रखा है, तू बेवकूफों सी हरकत कर रहा है, मोबाइल मुझे दे कह रहा हूँ ना। ओ नालायक, सुन नहीं रहा? जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझ पर भरोसा करके मुझे जिम्मेदारी दी है डैडी, उस भरोसे पर खरा उतरना है। ऐसा नहीं हुआ तो आप जैसा कहते हैं ना, एक दिन मैं जरूर यूजलेस फेलो बनकर रह जाऊंगा। ऑटो कुमार पर हाथ उठा दिया तुमने। देख लेंगे उसे भी। Yeah.
अभी वो गधे के बच्चे, वकार कोई भी हो, उससे मुझे क्या? तू यहाँ से बाहर जा। यहाँ पुरस्कार वितरण समारोह हो रहा है। नहीं भाई, उस तरफ जगह नहीं है ना। चेयर यहाँ लाकर रख। सब घुटने के बल खड़े हो जाओ। क्या बोला? घुटनों पर खड़े हो जाए? तुम लोगों का टाइम पूरा हो गया। मेरा जाने के बाद बकर आएगा, तब पता चलेगा। क्यों रामनाथ, मेरा गेटअप कैसा है? अच्छा है भाई। मेरे आदमी मुझे देखकर कहते हैं कि मैं कमल हसन जैसा दिखता हूँ। तुम क्या कहते हो? एक तरफ से आप वैसे ही लगते हो। मेरे आदमी बहुत विश्वासपात्र हैं। मुझे देखते हैं तो कमल हसन जैसा बोलते हैं, और जब गाता हूँ तो मोहम्मद रफी जैसा बोलते हैं। तुम बोलो, तुम्हें मुझे देखकर क्या लगता है? वो ना भाई, एक तरफ से आप कमल हसन जैसे लग रहे हो और दूसरी तरफ से आप ना रजनीकांत की तरह दिख रहे हो। एक साइड से कमल जैसा दिखता हूँ, दूसरी साइड से रजनी जैसा दिखता हूँ, बाकी किसी साइड से उल्लू जैसा भी दिखता हूँ क्या? अरे भाई, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो और कैसे कहूँ रामनाथ, उस डील को फाइनल करने के लिए मैंने तुम्हें 10 लाख हार्ड कैश दिए थे, तो अब तक फाइनल क्यों नहीं हुई? क्या ना भाई, उसमें थोड़ा लीगल प्रॉब्लम हो गई है, इसीलिए मुश्किल पड़ रही है। थोड़ा सा और टाइम मिल जाता तो। लीगल प्रॉब्लम है इसलिए तुम्हें 10 लाख कमाने का मौका दिया था रामनाथ, ये तो जानते हो ना। तुमने मुझसे 10 लाख लिए फिर से ये बताने के लिए नहीं कि उसमें लीगल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लिए थे। सलीम भाई को ग्रेस टाइम समझ में नहीं आता रामनाथ। भाई एक बार और कृपा कर दीजिए भाई, प्लीज भाई। रामनाथ, हमारे धंधे में काम करवाने के लिए पैसा दिखाते हैं, अगर काम सही टाइम पर नहीं हुआ तो फिर पिस्टल दिखाते हैं, और ये दोनों ही मेरे पास बहुत हैं। तुम मुझसे मांग रहे हो दया, सिंपथी, जिसका मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है। ब्रेन, आपकी बात खत्म होने का इंतजार कर रहा था भाई, मैंने सब अरेंज कर लिया है। रामनाथ सर, आइए चलते हैं। एक मिनट ब्रेन। चलिए चलिए चलिए। क्या सलीम भाई, आपके पास आए सारे काम ऐसे ही फ्लॉप होते हैं क्या? आप पर इतना भरोसा किया मैंने। अरे सेठ, तू गुजरात से मेरे ही भरोसे आया है मुझे नहीं पता, लेकिन अब आ गया है तो मुझ पर भरोसा कर। मैंने क्या जबरदस्त डायलॉग मारा, देखा ना? आप डायलॉग तो अच्छा बोल लेते हो भाई, लेकिन बोलने से कुछ नहीं होगा भाई, एक्शन मांगता मेरे को। देखो सेठ, एक्शन के बारे में तू मुझे लेक्चर मत दो। सलीम भाई के एक्शन पर तुम्हें शक है क्या? शक है तो अभी भी बता दो। क्यों सेठ, अब भी शक है? तुम्हारी किस्मत अच्छी है, करेक्ट आंसर दिया तुमने। मुझे गुस्सा आने वाला आंसर दिया होता तो उसके हाथ का बैट और बॉल तुम्हारे हाथ में होता। मैं अभी एक कॉन्ट्रैक्ट डील खत्म करने वाला हूँ, तुमने जिन 4 लड़कों के बारे में बताया था, जाते वक्त उनको धमका कर जाऊंगा। घबरा मत सेठ, ये दुनिया बहुत छोटी है, उसमें ये शहर और छोटा है, 2 करोड़ उससे भी छोटा है, कहीं नहीं जाएगा। तू टेंशन काहे को लेता है रे।